कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान, टॉप माफिया की लिस्ट तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दी खुली छूट, हर हाल में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने का आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर, मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में भी अपराधियों पर शिकंजा, कुख्यात सुंदर भाटी के दो खेत कुर्क, ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैंसला के 3 प्लॉट भी कुर्क किए गए। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे, सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई करीब 50 टीमें, नेपाल से बिहार तक और मध्य प्रदेश तक तलाशी। पुलिस ने विकास दुबे के सर पर रखा 2.5 लाख का इनाम, यूपी में जगह जगह पर चिपकाए जा रहे पोस्टर, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त, ये कारें विकास दुबे के करीब जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। विकास दुबे केस में 4 और पुलिस वालों पर गिरी गाज, मुखबिरी के आरोप में एक्शन। सामने आई शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी, एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत, तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की भूमिका पर भी जांच। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी, पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को भी दबोचा। सामने आया विकास दुबे का 2017 का इंटरव्यू, बीजेपी के 2 विधायकों से रिश्ते का किया जिक्र। बीजेपी के विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्ते की बात को किया सिरे से खारिज, बोले कुछ भी बयान दे सकता है गैंगस्टर। सामने आई विकास दुबे की नई तस्वीर, किसी पार्टी में नजर आ रहा है पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर। विकास दुबे को लेकर सुलग रही है यूपी की सियासत भी, कांग्रेस ने लगाया सूबे में जंगल राज का आरोप। कोरोना संक्रमण के मामले में 3rd नंबर पर पहुंचा भारत, अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे आगे मरीज। देश भर में करीब 7 लाख पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस, कुल केस की तादाद बढ़कर 2,12,000 के करीब पहुंची। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 लोगों की मौत, अब तक 9,000 से ज्यादा मौतें। मुंबई में भी कहर जारी, कोरोना केस 85,000 से ज्यादा, मुंबई में मौतों का आंकड़ा 5,000 के करीब। दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, कुल मामले 1 लाख से ज्यादा, 24 घंटे में 1,379 नए मामले। दिल्ली में रोजाना के केस थोड़े घटे, सोमवार को इनकी तादाद करीब 1,300 रही, रिकवरी रेट बढ़कर 71% हुआ। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील, कहा जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। देश भर में 24 घंटे में 425 लोगों की मौत, अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 4,150 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 900 से ज्यादा मामले, अब तक 809 मौतें। उत्तराखंड में कोरोना केस 3,000 के पार, अब तक 42 मौतें। गुजरात में कोरोना केस 36,000 से ज्यादा, अब तक 843 मौतें। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़े, अब तादाद 15,000 के करीब, अब तक 608 मौतें। ग्वालियर में बिना मास्क पहने निकले तो मिलेगी अनूठी सजा, कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में लगेगी ड्यूटी। भोजपुर में खुल गया विशाल शिवलिंग मंदिर, कोरोना के डर से इस बार श्रद्धालु की तादाद दिखी काफी कम। कई हफ्ते बाद आखिरकार हैदराबाद के स्मारक खुले, 3 महीने से बंद थे चारमीनार और गोलकुंडा फोर्ट। अकोला में कोरोना काल में लोक कलाकारों की मुश्किल, काम नहीं मिलने से गुजारा करने में हो रही है दिक्कत। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में 31 जुलाई तक किया गया बंद, कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। राजकोट में साड़ी उद्योग के बहाए केमिकल वाले पानी से नदी में भरा झाग, नदी का पानी हुआ जहरीला। वाराणसी के सरकारी संस्थान में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कोयम्बटूर में पुलिस पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, पार्टी ने की जांच की मांग। शिमला में दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मना, निर्वासित तिब्बतियों ने बांटे मास्क। तिनसुकिया में तेल के कुएं में आग से प्रभावित परिवारों का प्रदर्शन, सभी परिवारों को जल्दी मुआवजा देने की मांग। किशनगंज में तालाब में डूबे 3 बच्चे, बच्चों की उम्र 7 से 8 साल के बीच बताई जा रही, खेलते खेलते तालाब में गिरे। चंदपुर में एक ही रात में 2 दुकानों में लगी लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बैंक के कर्मचारी ने पत्नी का किया बेरहमी से कत्ल, वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं। गोहाना में एसडीएम ऑफिस का क्लर्क 1,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, गन लाइसेंस रिन्यू करने के बदले मांगे थे 4,000 रुपए,
सुकमा पुलिस ने नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद पुलिस वालों के परिवार को दी मदद। 21 मार्च को हुआ था एनकाउंटर। सिद्धार्थनगर में पुराने विवाद में भिड़े दो गुट, कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। 5 साल पहले फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी में राम रहीम को भी बनाया गया आरोपी। वारंट जारी करने की तैयारी। चंदौली में खून के अवैध कारोबार के मामले में एक्शन, अस्पताल का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में जीतू सोनी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर। सोनी पर दर्ज है धोखाधड़ी के 17 केस। सीतामढ़ी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तथाकथित करप्शन से है खफा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापे के दौरान एनकाउंटर, एक मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार में बिजी रोड पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार के सामने आया कुत्ता, बाद में टकराई कार, 3 पुलिस वालों की मौत। राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बहा, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सेंचुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया शिकार। टाइगर कमेंट को लेकर मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कमल पटेल के निशाने पर दिग्विजय, बोले शिकार क्या करेंगे, अब तो दिग्विजय खुद ही शिकार हो रहे हैं। बठिंडा में ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी तो टावर पर चढ़े मजदूर, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 7 किलो हेरोइन और हथियार जब्त, हेरोइन की कीमत 37 करोड़ रुपए। सुशांत खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग, रामगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च। गुरुग्राम में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर पर अटैक, 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर खतरनाक घोड़ा गाड़ी की दौड़, कोरोना की वजह से इजाजत नहीं मिलने पर हुआ आयोजन। चंदौली में 10 साल के बच्चे से गलती से चला तमंचा, 12 साल के बच्चे की मौत। ग्रेटर नोएडा में 4 बदमाशों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सहराज, सत्यवीर और सुमित भाटी पर गिरी गाज। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्कूल में खुला आइसोलेशन सेंटर, बीजेपी के नेताओं ने किया उद्घाटन। इंदौर में बकरीद पर ऑनलाइन हो रही बकरों की बिक्री, बकरा मंडी पर लगी है रोक। अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम फिर शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा खास ख्याल। जोधपुर के अस्पताल में एक्सपायर्ड ग्लूकोज 4 मरीजों को चढ़ाने का आरोप, जांच के आदेश। उज्जैन की महाकाल मंदिर में सावन के दौरान आ रहे श्रद्धालु, उमा भारती ने भी की पूजा। कठुआ में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, लखनपुर में अफसरों ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। धौलपुर में फिर टिड्डियों का अटैक, किसानों ने बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश की। गुजरात के अमरेली में बाढ़ का कोहराम, इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भी परेशान, 10 घंटे तक पानी में फंसा रहा बैल। राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों को किया बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें, क्रिकेट स्टेडियम भी पानी में डूबा। द्वारका में 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ने से एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से गिरा पुल, कई इलाकों में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चीन, गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। आज तक के पास है सैटेलाइट तस्वीरें, अपने टैंक गाड़ी और सैनिकों को झड़प वाली जगह से पीछे ले जा रही है चीनी सेना। फिंगरपुर के पास चीन ने 62 नई पोस्ट हटाई, पैंगोंग झील से भी सीमित संख्या में चीनी सैनिकों के पीछे हटने के संकेत। फिंगरपुर रिज लाइन में चीनी सेना ने ध्वस्त किए अपने कुछ निर्माण, गलवान हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से हटा चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला, आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति, चुशूल में कमांडरों की बैठक के बाद 23 समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका, चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बात। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ी चीन की हालत, ग्लोबल टाइम्स में निवेशक का हवाला दिया गया, कहा चीन से हालात खराब न करे भारत। चीन को लेकर राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले डिफेंस की स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेते लेकिन गिराते हैं सेना का मनोबल। बीजेपी ने राहुल और सोनिया पर लगाया गंभीर आरोप, कहा महज कमीशन के लिए डिफेंस में रुचि रखता है गांधी परिवार। देश भर में बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को देखते हुए एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में किया बदलाव, अब ओटीपी होगा जरूरी।
भारत में स्मार्टफोन बाजार के 81% हिस्से पर काबिज चीनी मोबाइल कंपनियों को लग सकता है झटका, 40% लोग नहीं खरीदना चाहते। रियल एस्टेट सेक्टर के REIT ने 14% के साथ BSE के रियल्टी इंडेक्स को छोड़ा पीछे, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सस्ते फोन कॉल और डेटा के दिन बीतने का अनुमान, अगले 18 महीने में फोन कॉल और डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी के अंदेशा। रोजाना 5 GB डेटा के ऑफर के साथ BSNL ने जियो एयरटेल के मुकाबले उतारी सबसे किफायती प्लान, ₹599 होगा रिचार्ज। कोरोना महामारी के बीच इटली में मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन, रोम की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूरोप में जारी है नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फ्रांस में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के तहत सड़कों पर उतरे हजारों लोग। लीबिया में टर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। घरेलू मामले में दखलअंदाजी से नाराज होकर बेनगाजी की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मना आजादी का जश्न। वॉशिंगटन के आसमान में लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में नाइट क्लब में शूटआउट, 2 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञ की रिपोर्ट, चीन से कोरोना निकलने का को किया खारिज, कहा हो सकता है कि वायरस सालों से दुनिया में सुस्त पड़ा हो। इसराइल ने लॉन्च किया अपना जासूसी उपग्रह। नेतन्याहू बोले इसकी सफलता से दुश्मनों पर कार्रवाई की हमारी क्षमता बढ़ेगी। दक्षिण चीन में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई शहरों में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज भेजने पर चीन को एतराज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका यहां कायम करना चाहता है दबदबा। चिली में कोरोना मरीजों के लिए एक नर्स की सुरीली कोशिश, मरीजों की जल्दी रिकवरी के लिए बजाती है वायलिन।